हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू अनअकैडमी जेई चैनल, दिस इज जेई लाइव डेली। और आज हमारा बच्चों लेक्चर नंबर 9 है प्रोबेबिलिटी का, एंड दिस विल बी योर लास्ट लेक्चर ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसके बाद में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आई गेस यहाँ पर सभी ने प्रोबेबिलिटी के सारे लेक्चर्स अटेंड किए हैं, उनको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी में अब शायद दिक्कत नहीं आएगी। बच्चों हमने यहाँ पर बहुत ही डिटेल में जो बेस थे वो टोटल प्रोबेबिलिटी के उनके भी डिस्कशन कंप्लीट कर लिए हैं। सो मेक श्योर दैट यू गो थ्रू ऑल द लेक्चर्स, क्योंकि यहाँ पर आपका जो प्रोबेबिलिटी का जो टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम का टोटल कंसेप्ट है, ठीक है, वो आईआईटी जेई एडवांस का बिल्कुल फेवरेट टॉपिक है। उसके ऊपर तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पक्के से मिलेंगे ही, ठीक है। आज जो बच्चों हम यहाँ पे करने वाले हैं वो आपको ज्यादा करके मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पे हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सीखेंगे, और साथ साथ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्वेश्चन कैसे आसान हो जाते हैं वो भी यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। सो आज का लेक्चर थोड़ा सा लाइट है, आई गेस यहाँ पर बच्चे जो है ये देख के अच्छा फील करेंगे कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के सिंपल क्वेश्चन इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे से आते हैं, ठीक है। ऑलराइट बच्चों, आपके सामने ये जो पर्टिकुलर टीम नजर आ रही है, जयंत सर, पारस सर, नमस्कार, में यहां पर आपके साथ में जेई के लिए पूरा कंटेंट डिस्कस करते हैं ऑन अनअकैडमी जेई चैनल। तो अगर किसी ने अभी तक भी अनअकैडमी जेई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज सब्सक्राइब एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि यहां पर होने वाले जो लेक्चर्स हैं वो आपके मिस ना हो, ठीक है। और बच्चों आप एक छोटा सा काम कर सकते हो, ये जो पर्टिकुलर लेक्चर चल रहा है अभी के अभी इसको लाइक करके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर कर सकते हो, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाए। और ये जो फ्री और क्वालिटी एजुकेशन का हमने यहां पर एक मिशन स्टार्ट किया है उसको हम आगे बढ़ा पाए, ठीक है। ऑलरेडी हमारी बच्चों जो फैमिली है YouTube पे वो काफी बड़ी हो गई है, 5 लाख से ज्यादा बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड हैं जो रेगुलरली यहाँ पे क्लासेस अटेंड करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं अभी भी जानता हूं कि इंडिया में काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो डिजर्व करते हैं क्वालिटी एजुकेशन, लेकिन उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, शायद इस वजह से कि आसपास में कोई उनके क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले शायद टीचर्स नहीं है, या फिर है लेकिन वो उतना ज़्यादा फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर पाते हैं जो यहाँ पे महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनको, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू ब्रेक हियर। सो यहाँ पे ये काम जरूर करेंगे सारे बच्चे। और बच्चे यहाँ पे आपको अगर कनेक्टेड रहना है हम चारों टीचर्स के साथ में, देन टेलीग्राम ऐप आप डाउनलोड करो, और डाउनलोड करके उसके अंदर जो अनअकैडमी जेई का ग्रुप बना हुआ है उसको आप ज्वाइन करो। वहाँ पे हमारे साथ में ऑलरेडी 26,000 से ज़्यादा बच्चे कनेक्टेड है के साथ में हम रेगुलरली नोट्स और अपडेट्स शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और अगर यह काम आपको करना है तो कैसे होगा, यहां पर आप बड़ी आसानी से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने के बाद में अपने मोबाइल ब्राउजर में जाके लिख सकते हो tinyurl.com/jeelivechat। ऐसे लिखने पे आपको उस ग्रुप में एंटर होने की परमिशन मिल जाएगी जहां पे ऑलरेडी इतने सारे बच्चे आपके साथ में कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। ऑलराइट, और बच्चों यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है विच इज अनअकैडमी प्लस। अनअकैडमी प्लस बच्चों यहां पे आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए बिल्कुल टेस्ट प्रिपरेशन के लिए बनाया गया प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यहां पे हम चारों टीचर्स पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे साथ साथ यहां पे इंडिया के और भी टॉप क्वालिटी टीचर्स हैं जो अपने यहां पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सारे बच्चों की यहां पे हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। सो मेक श्योर टू एक्चुअली एक्सप्लोर दिस प्लेटफॉर्म अनअकैडमी प्लस पे। बच्चों फायदा क्या होगा, यहां पर आपको अनअकैडमी जेई चैनल के ऊपर तो सब कुछ मिल ही रहा है, ठीक है। आपको क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी के साथ में, जितना विजुलाइज हम आपको करा सकते हैं पूरा यहां पे करा रहे हैं, ठीक है। लेकिन तब भी यहां पे अगर आपको एक एज चाहिए ओवर अदर स्टूडेंट्स, और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे एक बेसिक सा अमाउंट अगर अफोर्ड कर सकते हो, देन अनअकैडमी प्लस आपने बिल्कुल मिस आउट नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो फैसिलिटीज है बच्चों उसके अंदर क्या क्या है कि आपको यहाँ पे पर्सनलाइज तरीके से लाइव पढ़ाया जाता है, लेकिन उसके बाद में आपके जो लेसन्स होते हैं, जो लाइव लेसन्स कंडक्ट किए जाते हैं, वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको अवेलेबल किए जाते हैं, ताकि आप अपना रिविजन भी बड़ी आसानी से कर पाओ, ठीक है। साथ ही साथ यहां पर सभी को पता है कि जो बच्चे यहां पे रेफरेंस बुक सॉल्व करते हैं या फिर किसी भी टीचर का दिया हुआ मटेरियल सॉल्व करते हैं उसमें उनको डाउट्स आते हैं, सो डाउट क्लियरिंग सेशंस यहां पे बहुत ही डेडिकेटेडली रखे जाते हैं, और उस पर्टिकुलर सेशन में कोई थ्योरी डिस्कशन नहीं होता, उसके अंदर बस बच्चों के डाउट्स डिस्कस होते हैं। और वो कैसे होते हैं, बच्चे अपने जो डाउट्स है उनका फोटो लेके डायरेक्टली क्लास में अपलोड करते हैं और टीचर्स उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो दैट इज अ वेरी ब्रिलियंट फीचर, आई गेस ये और कहीं आपको मिलेगा नहीं, जहां पे आपको अपने डाउट्स क्लियर करने को मिलेंगे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। और साथ साथ बच्चों यहां पे आपको अगर कोई एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, ठीक है, देन अनअकैडमी प्लस भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। अनअकैडमी प्लस पे बच्चों आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीरीज मिल रही है ना, सो ट्राई टू यूज दिस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज, क्योंकि यहां पे आपको नेशनल लेवल पे अपना परफॉर्मेंस जज करने को मिलता है, ठीक है। सो ये सारी जो बच्चों आपको फैसिलिटीज हैं ये अगर आपको अवेल करनी है, देन आपको यस थोड़ा सा पेमेंट जरूर करना पड़ेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे जो पेमेंट है बच्चों वो यहाँ पे बहुत ही अफोर्डेबल रेट में रखा गया है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों की यहाँ पे मदद कर पाए, ठीक है। व्हाट अनअकैडमी जेई चैनल इज डूइंग इज काइंड ऑफ ए मिशन टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन, लेकिन एग्जाम क्रैक करना है, एग्जाम आपको टॉप करना है, उसके लिए अनअकैडमी प्लस एक बहुत अच्छा आपके लिए मीडियम साबित हो सकता है, ठीक है। सो अनअकैडमी प्लस को बच्चों अगर आपको यहाँ पे यूटिलाइज करना है देन आप डायरेक्टली unacademy.com/plus अपने डेस्कटॉप के ऊपर जा सकते हो और वहां पे आईटी जेई वाले सेक्शन को एक बार एक्सप्लोर कर सकते हो कि कौन कौन क्या क्या वहां पे जो अपने बैचेस है वो ले रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और ज्यादा आसान ऑप्शन होता है कि आप यहां पे अपने मोबाइल में जो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है उसको डाउनलोड कर लो और डाउनलोड करने के बाद में उसके अंदर जो प्लस सेक्शन आता है, यहां पे लाइव क्लासेस कहां होती है, प्लस नाम से होती है, ठीक है। सो प्लस सेक्शन में जाके आप अपने गोल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। नाउ सी हाउ इजी द थिंग्स आर, यहां पर आप अपने अगर गोल को सब्सक्राइब करोगे मतलब यहां पे बहुत ही क्लियर है कि आप किसी टीचर के लिए सब्सक्रिप्शन नहीं खरीद रहे हो, आप यहाँ पे किसी सब्जेक्ट के लिए नहीं खरीद रहे हो, आप केवल डाउट क्लियरिंग या फिर केवल टेस्ट सीरीज के लिए यहाँ पे अपने पेमेंट नहीं कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आप केवल अपने गोल को अचीव करने के लिए पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। और वो जो पर्टिकुलर आपका एक बार सब्सक्रिप्शन आ जाता है, एक बार आप अनअकैडमी प्लस के स्टूडेंट बन जाते हो, तो जो जो फैसिलिटीज मैं आपको बता रहा था वो सारी फैसिलिटीज आपके लिए डे वन से ओपन हो जाती है एंड यू आर ऑन योर वे टू क्रैक आईटी जेई, ठीक है। सो दैट इज व्हाट हैपेंस ऑन अनअकैडमी प्लस, इट इज दैट इजी टू यूज। लेकिन यहाँ पे बच्चों आपको बस एक चीज डिसाइड करनी है कि आप कितने समय के लिए यहां पे अनअकैडमी प्लस के ऊपर पढ़ना चाहते हो, कितने समय के लिए अनअकैडमी प्लस के स्टूडेंट बने रहना चाहते हो, ठीक है। सो यहाँ पे जो आपको हाईलाइट करके ऑप्शंस दिखाए गए हैं उसका इंपॉर्टेंस क्या है कि पहली बात तो ये कि आपका आईटी जेई जो टारगेट है वो काफी लॉन्ग टर्म टारगेट है, तो यहाँ पर जितने ज्यादा समय तक आप यहाँ पे पढ़ाई करोगे, टीचर्स के साथ में कनेक्टेड रहोगे, उतना ही ज्यादा आपको यहाँ पे फायदा मिलेगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई 12 मंथ एंड 24 मंथ सब्सक्रिप्शंस आर रिकमेंडेड, ठीक है। और यहाँ पे जो दूसरी बात इंपॉर्टेंट बच्चों ये कि आपको अगर यहाँ पे फाइनल प्राइस जो दिख रही है 12 महीने और 24 महीने की, वहां तक अगर आपको पहुंचना है देन यू विल हैव टू यूज दिस कोड, है ना। ये आपको 10% डिस्काउंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। आपको मेरा नाम पता होगा समीर, है ना, उसी से ये कोड बना है। 10% डिस्काउंट के साथ में अगर आप यहाँ पे पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन परचेस करते हो एक साल का या दो साल का तो इसकी इतनी प्राइस आती है। लेकिन आपको अगर लग रहा है कि सर अभी तो हम यहाँ पे 12th में या फिर रिपीटर है और हमें यहाँ पे केवल 6 महीने के लिए पढ़ाई करनी है देन दैट ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल, ठीक है। सो यहाँ पे आप जितने कम टाइम के लिए सब्सक्राइब करते हो आपका पर मंथ कॉस्ट थोड़ा सा कम होता है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे अगर एक ही महीने की पढ़ाई करनी है, आपको अगर पता है कि आप एक महीने में यहाँ पे सब कुछ पढ़ लोगे, जो आपको चाहिए यहाँ पे कमी जो आपको लग रही है वो आप यहाँ पे ओवरकम कर जाओगे, देन आई गेस यू कैन गो फॉर 1 month सब्सक्रिप्शन ऑल्सो विच इज फॉर 6,000 rupees पर मंथ, ठीक है। सो दैट इज हाउ द प्राइजेस आर देयर, आप यहाँ पे अपने अफोर्डेबिलिटी और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना जो प्लान है उसको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, तो बच्चों दिस वाज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर जॉइनिंग अस न्यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म अनअकैडमी जेई चैनल, ठीक है। जो हमारे पुराने बच्चे हैं वो ऑलरेडी काफी सारे बच्चे ट्रांजिशन कर चुके हैं अनअकैडमी प्लस के ऊपर और उनको वहां पे काफी अच्छा भी लग रहा है, उनका फीडबैक सुन के हमें भी काफी अच्छा लगता है और ये हमें यकीन होता है कि बच्चों को अगर हम ये बात बताएंगे तो उनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ फायदा होगा, ठीक है। ऑलराइट, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बच्चों, लेक्चर 9 ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का बच्चों ये आखिरी लेक्चर है जहां पे हमें डिस्कस क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करना है, ठीक है। अब यहां पे ये पर्टिकुलर टॉपिक एक्चुअली बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पे क्योंकि फॉर्मुलेस बच्चे इतने क्लियरली समझ नहीं पाते हैं और या उनका यूज कैसे करना है वो नहीं समझ पाते हैं, इसलिए उनको शायद ये टॉपिक डिफिकल्ट लगता है। लेकिन आज हम इस तरीके से यहां पे पढ़ने की कोशिश करेंगे कि आपको आगे से ये टॉपिक डिफिकल्ट ना लगे, ठीक है। ऑलराइट, सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहां पे सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि यार एक तो प्रोबेबिलिटी हमें निकालना आता है, डिस्ट्रीब्यूशन हमने कहां देखा है, हमने यहां पे स्टैटिस्टिक्स जब हम पढ़ रहे थे तो हमने थोड़ा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, ठीक है, कि यार मेरे क्लास में अगर मैंने एक टेस्ट लिया है, बच्चों ने कुछ टेस्ट के मार्क्स आ गए बच्चों के एग्जाम देने के बाद में, अब मैंने उस डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करना है, ठीक है। सो दैट डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड एक्चुअली कम्स इन पिक्चर जब हम यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स जैसी चीजें करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या करेंगे, अगर आपने यहाँ पे टेस्ट लिया है तो टेस्ट के बाद में आप यहाँ पे जो क्लास का मार्क्स है उसका एवरेज निकाल सकते हो, ऑन एन एवरेज क्लास में बच्चे कितने नंबर ला रहे हैं, आप यहाँ पे उनका डिविएशन निकाल सकते हो कि एक पर्टिकुलर मीन के वैल्यू के अबाउट यहाँ पे जो आपके मार्क्स है कितने डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। ये हमने स्टैटिस्टिक्स वाले पोर्शन में अलग से डिस्कस किया हुआ है, अगर किसी ने मिस आउट कर दिया है वो डिस्कशन तो प्लेलिस्ट में जाके स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर्स देख सकता है, ठीक है। जेई मेन के नाम से मैंने यहां पे उन लेक्चर्स को कैटेगराइज करके अलग से प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, ठीक है। अगर आपको ढूंढने में कभी बच्चों कोई टॉपिक दिक्कत आती है देन यू कैन डायरेक्टली सर्च अनअकैडमी जेई फॉलोड बाय द टॉपिक दैट यू वांट टू स्टडी लाइक स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ऑटोमेटिकली आपको यहां पे सबसे पहले सर्च रिजल्ट में वही लेक्चर मिलेगा जो यहां पर पढ़ाया गया है, ठीक है। ऑलराइट, सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के नॉलेज के साथ साथ आपको वो स्टैटिस्टिक्स वाले नॉलेज और स्टैटिस्टिक्स वाले फॉर्मेट्स का भी यूज करना होगा, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट अस ट्राई टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि यार यहाँ
यहां पे एक्चुअली होने क्या वाला है, किस तरह का यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट होने वाला है। सो सबसे बढ़िया तो क्या होगा कि अगर हम खुद ही अपने आप से डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करके लिख देंगे तो हमें अगले क्वेश्चंस में डिस्ट्रीब्यूशन अगर दिया हुआ होगा तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को समझने में हमें दिक्कत कभी नहीं आएगी, ठीक है। सो दैट्स व्हाई द फर्स्ट इलस्ट्रेशन इज वेरी बेसिक, बट दिस इलस्ट्रेशन विल एक्चुअली हेल्प यू अंडरस्टैंड कि यहां पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आखिर आपको दिखेगा कैसे, उसको आप एनालाइज फिर आगे के क्वेश्चंस में करोगे, ठीक है। तो क्या बोला गया है यहां पे, थ्री कार्ड्स आर ड्रॉन विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। यहां पर आपके उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है, उसमें से आपने तीन कार्ड्स ड्रॉ की, ठीक है, लेकिन कैसे ड्रॉ किए, विथ रिप्लेसमेंट, मतलब आपने एक कार्ड ड्रॉ किया, देख लिया क्या आया, फिर आपने वापस डाल दिया, फिर एक कार्ड ड्रॉ किया, देख लिया क्या आया, वापस डाल दिया, फिर आपने एक कार्ड ड्रॉ किया, ठीक है, दैट इज द प्रोसेस दैट यू आर फॉलोइंग, ठीक है। अब यहां पर बोला क्या क्या है, लेट एक्स डिनोट द रैंडम वेरिएबल ऑफ नंबर ऑफ किंग्स ऑब्टेंड, ठीक है। अब यहां पे रैंडम वेरिएबल वर्ड आपको काफी बार नजर आएगा, रैंडम वेरिएबल यहां पे यूजुअली एक्स से डिनोट किया जाता है, और बेसिकली वो क्या है, आपका जो भी पॉसिबल आउटपुट है ना, उसके सक्सेस के क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, उन सभी चीजों को वो लिस्ट डाउन कर देता है, ठीक है। जैसे यहां पे मैंने अगर तीन बार कोई कार्ड उठाया है, ठीक है, तो यहां पे नंबर ऑफ किंग्स कैसे कैसे आ सकते हैं, हो सकता है कि यहां पे मेरे पास एक भी किंग ना आए, हो सकता है कि तीन बार ड्रॉ करने में एक किंग आ जाए, या फिर दो आ जाए, दो बार किंग का यहां पे ड्रॉ कर सकता हूं मैं, या फिर हो सकता है कि तीनों के तीनों बार मैंने ड्रॉ किया और तीनों के तीनों बार बाय चांस मेरे पास में किंग ही आ गया, ठीक है। सो दीज आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स दैट वी कैन गेट, मतलब एक्स की वैल्यू जीरो हो सकती है, मतलब नंबर ऑफ किंग क्या हो गया, जीरो हो गया, कोई किंग यहां पे ड्रॉ किया ही नहीं गया, ठीक है। इस तरह से हमें यहां पर क्या बना के दिखाना है, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो बना के दिखाना है, ठीक है। अब ये बनेगा कैसे, यहां पे हम इस तरह से टेबल बनाते हैं बच्चों, आपके पास में सबसे पहले कॉलम में रहेगा यहां पे एक्स, एक्स की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, मतलब नंबर ऑफ किंग्स यहां पर आप कैसे कैसे ड्रॉ कर सकते हो इन दिस पर्टिकुलर रैंडम एक्सपेरिमेंट। आप यहां पे या तो एक भी किंग ड्रॉ नहीं करोगे, या फिर एक करोगे, या फिर दो करोगे, या फिर तीनों के तीनों यहां पे आप किंग ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ऐसे यहां पर आपके पास में एक्स की वैल्यूज आ सकती है, और उससे रिलेटेड आपकी जो प्रोबेबिलिटीज आएंगी वो आप कैसे लिख पाओगे, आपके पास में यहां पे जो बच्चों प्रोबेबिलिटीज आने वाली हैं वो किसकी मदद से आएंगी, उसी नॉलेज से आएंगी जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है। लास्ट जो हमारा क्लास हुआ था उसके अंदर हमने यहां पे बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी मतलब बर्नौली ट्रायल्स वाले वैल्यूज निकालना सीखा था। आप यहां पे क्या देख पा रहे हो कि आपको एक्चुअली वही फॉर्मा यूज करना है, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में आपका हर एक केस में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हो रही, क्योंकि हर बार आपके पास में 52 कार्ड्स ही हैं, 52 कार्ड्स में से अगर यहां पे आपको एक कार्ड ड्रॉ करना है तो किंग आने की प्रोबेबिलिटी आपके पास में हर बार कितनी होगी, 4/52 मतलब 1/52 के बराबर, 1/13 के बराबर ही आपका आंसर यहां पे निकल के आने वाला है, किसका, सक्सेस का, ठीक है। सो ये जो पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट है इसके अंदर जो आपका सक्सेस है वो हो जाएगा 4/52 मतलब 1/13, ठीक है, ऑलराइट। और इस वजह से आपका जो फेलियर का प्रोबेबिलिटी हो सकता है वो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 12/13, ठीक है, क्योंकि P प्लस Q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, P प्लस Q की वैल्यू आपकी 1 के बराबर होना चाहिए, ऐसा हमने पहले देखा हुआ है। सो इन सेकंड कॉलम व्हाट आई एम राइटिंग डाउन इज कि इनकी प्रोबेबिलिटीज क्या होना चाहिए, इन सारे वैल्यूज की प्रोबेबिलिटीज क्या होना चाहिए, ठीक है। तो जीरो, यहां पर इसका मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं हम कि आपके पास में एक बार भी सक्सेस नहीं मिला, आपको यहां पे किंग मिला ही नहीं, ठीक है। अब इस चीज को हमने लिखना कैसे सीखा है, यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि हम कितने बार रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हम यहां पे तीन बार रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मतलब आपका जो एन का वैल्यू है लास्ट क्लास में एन यहां पर समझ लिया हमने, ठीक है, कितना होता है, 3 के बराबर होता है, और आपको यहां पर आर मतलब आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है वो यहां पर आपको एक एक रो में चेंज होते हुए दिखाई देगी, ठीक है। तो आर की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है, तो यहां पर अब टेबल बनाना आसान हो गया। यहां पे जो सारी प्रोबेबिलिटीज हैं उनको अगर मैं लिख दूंगा तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और कैसे बनेगा ये, यहां पर आपके उसमें आएगा सबसे पहले जीरो, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, एनसी जीरो, तो एनसी जीरो के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम यहां पे लिख सकते हैं 3C0, क्योंकि अपने पास में तीन की एन की वैल्यू 3 के बराबर है, सो 3C0, उसके बाद में सक्सेस, सक्सेस यहां पे एक बार भी नहीं मिला तो 1/13 इंटू आपका जो फेलियर है वो आपको 3 बार मिला, ठीक है। या आपने पहला जो है फिल कर दिया प्रोबेबिलिटी, दूसरा प्रोबेबिलिटी कैसे फिल कर सकते हो, यहां पर आप लिख सकते हो 3C1 इंटू 1/13 एंड 12/13, है ना। यहां पर क्या हुआ, सक्सेस आपको एक बार मिला तो फेलियर आपको पक्के से 2 बार मिला होगा। उसी तरह से यहां पे आगे क्या फिल कर सकते हो, मेरे ख्याल से आगे फिल करना काफी आसान है। यहां पे मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चों ने लास्ट क्लास में ऑलरेडी कर लिए हैं, जो मैं यहां पर फोकस में रखना चाह रहा हूं वो क्या है, मैं यहां पर आपको यह दिखाना चाह रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किस तरह से जनरेट होता है, किस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। सो ये इस तरह का अगर आपके उसमें कोई एक जो पूरा का पूरा आपका रैंडम वेरिएबल है उसकी सारी पॉसिबिलिटीज लिखी हुई है। आपका रैंडम वेरिएबल बेसिकली क्या है,
कि यहां पे नंबर ऑफ किंग्स कितने आएंगे, तो नंबर ऑफ किंग्स यहां पे जितने जितने हो सकते थे हमने सारे पॉसिबिलिटीज यहां पे लिख दिए हैं, ठीक है, इसलिए एक टेबल बन गया है। और उसको हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर लिखी हुई क्या है, उसके अंदर जो वैल्यूज लिखी हुई है अल्टीमेटली प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज है, इसलिए यहां पे इसको बोल क्या रहे हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोल रहे हैं, ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे दिखाई देगा वो भी आपको क्लियर हो गया है। आपको यहां पर रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज और उनकी प्रोबेबिलिटीज एक यहां पर टेबल में दी हुई होती है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे वो यहां पे देखना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी बात यहां पे नोटिस करो, यहां पे अगर मैं ये जो पर्टिकुलर कॉलम है इसको अगर मैं ऐड कर दूंगा तो कितना आंसर आएगा, ठीक है, सोच के देखो। यहां पे आपको अपफ्रंट देख के वैल्यूज ऐसे लग रही हूं सर ये तो बहुत ही खराब वैल्यूज है, इनको ऐड करके हम कैसे आंसर बताएंगे आपको, लेकिन यहां पर थोड़ा सा बायनोमियल थ्योरम आप अगर अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो एक्चुअली बहुत सिंपल है करना, ठीक है। यहां पे देखो आपके पास में क्या है, NC0, NC1, NC2, NC3, ठीक है, 3C0 से लेके 3C3 तक हम जा रहे हैं, मतलब यहां पे अगर मैं इसको बायनोमियल एक्सपेंशन के फॉर्मेट में लिखना चाहूं, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, x+y की पावर 3, ये x+y की पावर 3 वाले बायनोमियल टर्म्स मुझे लग रहे हैं और सारे के सारे मौजूद हैं x+y की पावर 3। अब यहां पे x मतलब क्या यूज कर सकता हूं मैं, 1/13, और y मतलब क्या यूज कर सकता हूं मैं, 12/13। इसका मतलब ये जो सारे टर्म्स हैं अगर मैं इनको ऐड करके लिखता हूं तो वो जो एक सीरीज जनरेट होगा वो एक्चुअली किसका एक्सपांशन है, वो एक्चुअली आपके पास में 1/13 + 12/13 की पावर 3 का एक्सपांशन है। लेकिन जैसे आप यहां पे 1/13 + 12/13 करते हो आपको क्या मिल जाता है, 1 मिल जाता है, ठीक है। तो जैसे आपने यहां पे प्रोबेबिलिटी टेबल में, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में सारी प्रोबेबिलिटीज का सम किया तो आपको क्या आंसर मिल गया, आपको यहां पे आंसर 1 मिल गया, ठीक है। ये थोड़ा सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। क्या है यहां पे इंपॉर्टेंट रिजल्ट, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ एनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ ए रैंडम वेरिएबल इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर आप यहां पे सारी पॉसिबिलिटीज लिख दे रहे हो और उसके सारी प्रोबेबिलिटीज का आप यहां पे सम करोगे, मतलब क्या करोगे, सिग्मा पी आई, तो आपको आंसर हमेशा 1 के बराबर ही मिलेगा, ठीक है। जैसे अभी अभी हमने यहां पे बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अभी चेक किया था, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट अस ट्राई वन वेरी इजी क्वेश्चन। यहां पर आपके पास में एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे अभी मैंने आपको बताया था आपके पास में दो वैल्यूज रहती हैं, एक्स रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या क्या बन रही है और उन वैल्यूज की प्रोबेबिलिटीज क्या क्या है वो उनके नीचे लिखी हुई है, ठीक है। अब ये वैसे कुछ लग रहा है जैसे आपको यहां पे जो स्टैटिस्टिक्स में टेबल दिए जाते थे, ठीक है, कि आपके पास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने हैं, इस टाइप से आपको जो टेबल दिया जाता था ये वैसे ही कुछ तो टेबल लग रहा है, ठीक है। चलो, लेकिन यहां पे आपको बेसिकली क्या समझ में आ रहा है कि आपके उसमें एक्स की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर 7 तक हो सकती है, उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज भी आपको पता है कि अच्छा 1 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। लेकिन अब यहां पे आपको के टर्म्स में वैल्यू दी हुई है, तो सबसे पहला थॉट तो आपके उसमें क्या आना चाहिए कि मुझे कुछ करके के यहां पर फाइंड करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहां पर के फाइंड करने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास में एक बहुत बढ़िया रिजल्ट है कि अगर मैं सिग्मा पी आई करता हूं, अगर मैं यहां पे सिग्मा पी आई या फिर सिग्मा पी एक्स करता हूं तो मेरे पास में आंसर क्या आना चाहिए, हमेशा 1 आना चाहिए। यही तो अभी एक रिजल्ट हमने इंपॉर्टेंट देखा है, इसको एक बार अप्लाई करके देखते हैं यहां पे कि हमारे पास में क्या के की वैल्यू निकल सकती है। बिल्कुल निकल सकती है। यहां पे कैसे करेंगे, आपके पास में यहां पे कितने के हैं वो एक बार देख लेते हैं और कितने के स्क्वायर है वो अल्ग से देख लेते हैं, ठीक है। तो मुझे करना क्या, अल्टीमेटली इन सारे नीचे वाले जो रो है आपकी उनकी वैल्यूज को एड करना है, ठीक है। तो के कितने हो गए आपके पास में यहां पर, 1, 3 और ये टोटल हो गए 5, 5 और 8 और 8 और 1 9 है ना। तो आपके उसमें 9 टोटल क्या है, के की वैल्यूज हैं, ठीक है। एक बार और चेक कर लिया जाए, ठीक है, 9 आपके पास में के की वैल्यूज हैं और उसके बाद में के स्क्वायर कितने हैं आपके पास में, मैं क्या कर रहा हूं इन सारे वैल्यूज को ऐड कर रहा हूं, तो के स्क्वायर साथ साथ में ऐड हो जाएंगे तो हो गया आपके पास में 10 के स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये तो बहुत ही सिंपल से आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप यहां पे फैक्टराइज करके सॉल्व करने की कोशिश करोगे सो आई गेस यू विल गेट वेरी गुड वैल्यूज। यहां पे जो 1 है उसको भी लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं और यहां पे क्योंकि आपका प्रोडक्ट -10 आना चाहिए, देन वी कैन थिंक ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एज 10k² + 10k - k - 1 = 0, ठीक है। वी कैन थिंक ऑफ समथिंग लाइक दिस। तो यहां से अगर मैं 10k कॉमन निकालता हूं तो मेरे पास में अंदर बचता है k+1 और वैसे ही आगे वाले में से अगर मैं -1 कॉमन निकालता हूं तो फिर से मेरे पास बचता है k+1, ठीक है। सो व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट k+1 इनटू
10k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो k की दो पॉसिबल वैल्यूज आती है मेरे पास में, k की वैल्यू या तो माइनस 1 हो सकती है या फिर k की वैल्यू ऑब्वियसली यहां पे 1 बाय 10 हो सकती है। तो आप यहां पे देख के मेरे ख्याल से बहुत ही क्लियरली बता पा रहे हो कि यहां पे माइनस 1 को आपको इग्नोर करना पड़ेगा और 1 बाय 10 को यहां पे आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल गलत वैल्यू है क्योंकि यहां से आपके पास में प्रोबेबिलिटीज नेगेटिव आएंगी, विच इज नॉट पॉसिबल। 1 बाय 10 इज ए वेरी गुड वैल्यू, 1 बाय 10 आपके पास में चल जाएगा, तो इसको हम इंक्लूड कर लेंगे। अब हमारे पास में k का आंसर आ चुका है, मतलब यहां पे हर एक रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी कितना है वो हमें पता चल गया है, ठीक है। तो यहां पे 1 होगा रैंडम वेरिएबल आपको, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 बाय 10 है, लेकिन 2 होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 2 बाय 10 है, 3 होगा उसकी प्रोबेबिलिटी भी 2 बाय 10 है, ठीक है। अब यहां से आपसे पूछा क्या गया है, देन वी नीड टू डिटरमाइन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p फॉर x लेस देन 3। यहां पर आपको जो रैंडम वेरिएबल है वो लेस देन 3 वैल्यू रखेगा, मतलब कौन कौन सी रखेगा, लेस देन 3 रखेगा, मतलब ये वाला जो कॉलम है ये सारे वैल्यूज आपको इंक्लूड करना है, ये सारे लेस देन 3 वाले वैल्यूज हैं, ठीक है। सो ये लेस देन 3 वाले वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 होगा उसकी प्रोबेबिलिटी तो है ही नहीं, है ना। उसके बाद में ये 1 होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी 2 के है। तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि आपके पास में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 3 का कैलकुलेशन हो रहा है वो आपके पास में 3k के बराबर आ जाएगा, है ना। क्या किया मैंने, यहां पे सारे वैल्यूज को ऐड कर लिया जो जो यहां पे मेरे पास फेवरेबल केसेस थे, ठीक है। तो 3k मतलब कितना हो जाएगा आपका, उसमें 3/10 फाइनल आंसर हो जाएगा। सो यहां पे कैलकुलेशन काफी आसान होते हैं, यू नीड नॉट वरी अबाउट कैलकुलेशंस। स्टैटिस्टिक्स जैसी दिक्कत आपको यहां पे आने वाली नहीं है कि यहां पे हम उलझ रहे हैं कैलकुलेशन के अंदर, ठीक है। क्या आपको यहां पे थोड़ा भी लॉजिक समझ में आ रहा है, रैंडम वेरिएबल कोई तो एक वैल्यू है, ऐसा मान सकते हो आप कि यहां पे आउटपुट ऑफ ए डाई है, है ना। यहां पे हालांकि 0 और 7 भी है इसलिए ये टेबल एक्जैक्टली आउटपुट ऑफ ए डाई तो नहीं हो सकता, और यहां पे आपके जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो भी इक्वली लाइकली नहीं है। लेकिन यहां पे इमेजिन करो कि आपके पास में एक बहुत ही अजीब सा डाई है जिसके अंदर 8 फेसेस हैं, 0 से लेकर 7 तक उनके ऊपर वैल्यूज लिखे हुए हैं और वो बायस डाई है, ठीक है। उसमें कोई नंबर आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग है, ठीक है। देन समथिंग लाइक दिस विल ओरिजिनेट, समथिंग लाइक दिस विल ओरिजिनेट, जिसके ऊपर यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सो ये एक्चुअली विजुलाइज करके भी हम यहां पे क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं और उनको समझ सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो यहां पे ये जो पर्टिकुलर डेटा बच्चों हमने सीखा है यहां पे निकालना, इतना तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट कम्स द इंपॉर्टेंट रिजल्ट जहां पर आपको मीन और वेरियंस निकालते आना चाहिए, ठीक है। जैसे हम यहां पे डिस्कस कर रहे थे कि डिस्ट्रीब्यूशन जो हम यहां पे स्टडी करना स्टार्ट करते हैं वो स्टैटिस्टिक्स का एक्चुअली कंसेप्ट है, और स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, जो आपके पास में पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो आपके उसमें पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम एक पर्टिकुलर वैल्यू से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, कोई एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू की मदद से उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मीन, ठीक है। आपके पास में यहां पे क्लास में जितने भी बच्चों ने टेस्ट दिया सबके मार्क्स हैं, ठीक है। अब उससे आपको अच्छा आइडिया नहीं लगेगा कि यहां पे क्लास का परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है, तो आप क्या करोगे, आप वहां पे पूरे क्लास के मार्क्स को ऐड करके नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दोगे ताकि आपके इसमें मीन आ जाएगा। अब मीन देख के आपको पता चलेगा, अच्छा ठीक है, यहां पे जो आपका ऑन एन एवरेज आपके मार्क्स आ रहे हैं दैट इज 75 इज गुड, मतलब यहां पे ये वाली क्लास अच्छा कर रही है, ठीक है। अब ये रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज होती है, वैसे यहां पर हम जो डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी का उसके भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज हम निकालना चाह रहे हैं, विच इज अगेन मीन एंड वेरियंस। अब यहां पे जिन बच्चों ने ऑलरेडी स्टैटिस्टिक्स के मेरे लेक्चर अटेंड किए हुए हैं उनको तो ऑलरेडी इसका बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगा, अगर किसी ने नहीं किया है तो उसके लिए मेरे ख्याल से आगे का डिस्कशन थोड़ा सा अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहां पे हम मीन और वेरियंस बेसिकली स्टैटिस्टिक्स में क्या था वो पहले देखना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर वो हम समझ लेंगे देन आपको जो यहां पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के मीन और वेरियंस है उनका भी अंडरस्टैंडिंग बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है। सो यहां पे रिजल्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स पहले देखते हैं। मीन आई गेस बच्चों आपको बहुत अच्छे से आता है क्योंकि मीन आपने 10th क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। आई गेस या उससे पहले से भी शायद आपने मीन पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा। हम यहां पे मीन को अगर रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों x बार से, ठीक है, तो उसकी वैल्यू निकलती कैसे है, हम यहां पे अपने जो भी इनपुट्स होते हैं, ठीक है, जो भी ऑब्जर्वेशन होते हैं उनका सम करते हैं, मतलब सिग्मा एक्स आई, और उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, ये हमारा मीन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेकिन आपने ये भी एक बात नोटिस करी होगी कि अदर देन दिस हमारे पास में एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वाला भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक्स बार की वैल्यू आपके पास में सिग्मा एक्स आई अपॉन एन के साथ साथ और एक फॉर्मूला है जिसकी मदद से आंसर निकल जाता है, एक्स बार इज इक्वल टू, अगर जैसे यहां पर सोच के देखो, आपके टीचर ने आपका टेस्ट लिया है, आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। अब आपके जो टेस्ट के नंबर्स आए हैं उसमें बहुत सारे बच्चों के एक जैसे नंबर्स हैं, ठीक है, यहां पर बहुत सारे बच्चों के 50 नंबर है, बहुत सारे बच्चों के 55 नंबर है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों के 75 नंबर है, ठीक है। सो अब टीचर क्या करेगा, 50 50 50 ऐड करेगा, या तीन बार अगर किसी बच्चे के 50 आए हैं, तीन बच्चों के अगर 50 आए तो 3 × 50 कर लेगा। बात तो एक ही है, 50 + 50 + 50 करो या फिर 3 × 50 कर लो, आपके पास आंसर तो सेम आने वाला है। तो यहां पे फ्रीक्वेंसी वाला भी एक फॉर्मूला होता है जिसके अंदर हम आंसर कैसे लिखते हैं कि सिग्मा
एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें काफी काम आने वाला है अभी प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला समझने में, ठीक है। ऑलराइट, यहां पे एफ आई क्या है, फ्रीक्वेंसी, कि वो पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन कितने बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। नीचे भी क्या करना पड़ेगा, सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई करके आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे कि यहां पे हम एग्जांपल ले रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। सो दीज टू फॉर्मुलेस दैट वी स्टडी इन स्टैटिस्टिक्स आर इंपॉर्टेंट टू कैरी फॉरवर्ड द डिस्कशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट कम्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टडी की यार यहां पे वेरियंस का क्या मतलब है, ठीक है। ये दो चीजें बच्चों आपको पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरियंस, ठीक है। ऑलराइट, तो स्टैंडर्ड डिविएशन से स्टार्ट करते हैं। डिविएशन, जैसे बच्चों आपको पता है कि डिविएशन मतलब क्या है, किसी एक मीन वैल्यू के अबाउट डेटा आपका कितना स्प्रेड आउट है उसका डिस्कशन चल रहा है, कितना स्प्रेड आउट है। एक्चुअल डेटा क्या है उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन डेटा कितना स्प्रेड आउट है उससे हमें मतलब है। जैसे कि यहां पर अगर मैं आपको आंसर एक एग्जाम्पल देकर बताऊं, अगर आपके पास में ऐसा सिनेरियो है कि एक पर्टिकुलर लोकैलिटी है जिसके अंदर लोग जो है वो एक रुपए से लेकर सौ रुपए तक पैसे कमाते हैं, ठीक है, एक रुपए दो रुपए तीन रुपए कमाने वाले यहां पे सारे के सारे सौ लोग हैं, ठीक है, अप टू हंड्रेड। लेकिन एक दूसरी लोकैलिटी है जहां पे आपके जो लोग हैं वो कैसे पैसे कमा रहे हैं, एक हजार एक रुपए से लेके ग्यारह हजार ग्यारह सौ रुपए तक वो पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे जो आपका जो डिविएशन है वो दोनों यहां पे क्वांटिटीज का सेम आएगा, दोनों यहां पे जो लोकैलिटीज है उनका डिविएशन सेम निकल के आएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर आपके जो मीन के अबाउट स्प्रेड है वो सेम होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर आपको समझना है तो आप ऐसा मान के चलो कि आपके पास में जो डेटा है वो आपने एक नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर दिया, ठीक है। नंबर लाइन के ऊपर आपने अगर प्लॉट किया है पूरा डेटा तो कहीं ना कहीं तो प्लॉट जाएगा उसका, ठीक है, लेट अस से इस तरह से कुछ तो प्लॉट जा रहा है। अब मैं यहां पर ये बोल रहा हूं कि आपका जो मीन है वो यहां कहीं आ रहा है, ये आपका मीन है जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स बार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे यहां पे स्टडी क्या करना है, मुझे यहां पे डिविएशन स्टडी करना है कि मेरे जो डेटा है वो मीन के अबाउट कितना डिविएटेड है, ठीक है। तो मैं कैसे देखूंगा, डिविएशन देखना है मतलब आपको ये डिस्टेंस देखना है कि यार ये वाला जो वैल्यू है कितना आगे निकल गया, ये जो आगे वाला वैल्यू है कितना आगे निकल गया, पीछे वाला वैल्यू कितना पीछे रह गया, ठीक है। इस तरह के कैलकुलेशन आपको करना है, मतलब क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर डिफरेंसेस लेने पड़ेंगे। आपके जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, एक्स आई, एक्स आई में से आपको यहां पे जो आपका सेंट्रल वैल्यू है विच इज योर मीन वो सब्ट्रैक्ट करके देखना पड़ेगा कि आपका जो डिविएशन है वो कितना आ रहा है, डिविएशन, हाउ थिंग्स आर डिविएटेड, ठीक है, कितना दूर जा रहे हो किसी एक सेंट्रल वैल्यू से। अब यहां पे लेकिन इनको अब मैं अगर ऐड कर दूंगा, ठीक है, आपको यहां पे स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए अगर मैं इसको डायरेक्टली ऐड कर दूंगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। यहां पे प्रॉब्लम ही होता है कि आपके पास में जो राइट साइड वाली वैल्यूज हैं वो डिविएशंस पॉजिटिव बताएंगी, क्योंकि आप यहां पे एक्स आई माइनस एक्स बार करोगे, ठीक है, तो एक्स आई की वैल्यू ज्यादा है एक्स बार से तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएंगी। लेकिन जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज हैं वो नेगेटिव यहां पे आपको डिविएशंस बताएंगी, विच इज एक्चुअली ओके, लेकिन डिविएशन अगर हम यहां पे देखना चाह रहे हैं देन वी जस्ट वांट टू नो कि वो कितना दूर है सेंट्रल वैल्यू से, किस तरफ दूर है उसमें हमें इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। सो व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन इज ओनली द मैग्नीट्यूड कि वो वैल्यू कितनी दूर जा रही है, ठीक है। अब इस चीज को हैंडल करने के लिए या तो हम मॉड लगा सकते हैं, लेकिन उसको मीन डिविएशन बोलते हैं। यहां पर आपका स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए कैलकुलेशन कैसे होता है, यहां पर स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए आप ये सोचते हो कि अच्छा ठीक है, यहां पर आपको केवल पॉजिटिव क्वांटिटीज लेनी है, क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटीज लेने में दिक्कत है कि आप ये भी फाइनली देख रहे हो कि यार यहां पर कुछ पॉजिटिव डिविएशन है यहां पर नेगेटिव डिविएशन से एड होकर पता चला जीरो आ गया। अब जीरो तो आपका डिविएशन है ना, डिविएशन तो आपको दिख रहा है यहां पे, जो स्प्रेड है वो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो यहां पे डिविएशंस एक्चुअली कैंसिल आउट नहीं होना चाहिए, सो दैट्स व्हाई वी वांट टू मेक दीज पॉजिटिव क्वांटिटीज। मॉड लगा के नहीं करना चाह रहे हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन में क्या करते हैं, स्क्वायर करके इनको पॉजिटिव बनाते हैं, क्या करते हैं, स्क्वायर करके इनको पॉजिटिव बनाते हैं, ठीक है। अब मैंने अगर इसको पॉजिटिव बना दिया है, अगर मैं अब इसको डिवाइड कर दूं मेरे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, ठीक है, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, मेरे पास में मीन ऑफ डिविएशन आ जाएगा, मीन ऑफ डिविएशंस नहीं आ रहा है एक्चुअली, आपके उसमें मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिविएशन आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि मैंने यहां पे अननेसेसरी स्क्वायर कर दिया तो इसको नलीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, फिर यहां पे अंडर रूट लगा देते हैं। सो द फॉर्मूला दैट यू आर सीइंग हियर इज द फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। अगर आप इस तरीके से स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला याद रखोगे, आई डोंट थिंक यहां पे आपको भूलने जैसा कुछ भी है। आप यहां पे पहले डिविएशंस निकाल रहे हो, डिविएशंस हम नेगेटिव ऐड नहीं करना चाह रहे इसलिए हमने पॉजिटिव बनाने के लिए स्क्वायर कर दिया, सबको ऐड करके फिर हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड किया, जैसे हम यहां पे मीन निकालने के लिए करते हैं, बिल्कुल सेम काम किया, सबको ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया। उसके बाद में हमने उसका अंडर रूट इसलिए लिया क्योंकि यहां पे पहले आपने अननेसेसरी स्क्वायर ले लिया था, ठीक है। सो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला यहां पे नजर आ रहा है।
सो ये तो बात हो गई स्टैंडर्ड डिविएशन की। अब यहाँ पे जो तीसरी चीज आती है वो है क्या, वेरियंस। अब वेरियंस एक्चुअली समझना काफी आसान है, क्योंकि वेरियंस जो होता है वो सीधे सीधे आपका स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपके पास में जो यहाँ पे अंडरूट का साइन है वो अंडरूट का साइन हट जाने वाला है, ये अंडरूट का साइन आपका हट जाएगा और आपके पास में ऐसा आएगा सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर और डिविजन में आ जाएगा आपके पास में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ऐसे कुछ यहां पर आपका फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, वेरियंस का फॉर्मूला होता है। लेकिन यहां पे कुछ बच्चों ने शायद और दूसरा फॉर्मूला भी देखा होगा जिसको बोलते हैं कंप्यूटेशनल फॉर्मूला। कंप्यूटेशनल फॉर्मूला बेसिकली क्यों हम पढ़ते हैं यहां पे, कंप्यूटेशनल जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है, अगर आप किसी चीज को कंप्यूट करने की कोशिश करते हो, मतलब कैलकुलेट करने की कोशिश करते हो, तो आप हमेशा यह सोचोगे कि हम कोई ऐसा प्रोसेस अपनाएं जिससे आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ये आप जब भी करने की कोशिश करते हो आपको कैलकुलेशन काफी खराब मिलता है। So, यहाँ पे हमने एक वेरिएशन इसका देखा हुआ है, एक हमने यहाँ पे इसका जो मॉडिफाइड वर्जन है वो भी देखा हुआ है। वो यहाँ पे देखो आप कैसे कैलकुलेट करते हो, यहाँ पर आपको जो आंसर है वो इस तरीके से निकल के आता है कि आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्क्वायर को ओपन कर दोगे। ठीक है, इस स्क्वायर का अगर ओपन करोगे तो आपके उसमें क्या आएगा, एक्स आई का स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ऑफ एक्स बार इंटू एक्स आई एंड प्लस एक्स बार का स्क्वायर और डिविजन में कितना आ जाएगा आपके उसमें एन आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपके उसमें चल ही रहा है। अगर आप यहां पे अब इस पर्टिकुलर ब्रैकेट को मतलब सिग्मा को अगर स्प्लिट करते हो तो क्या होगा, अगर आप सिग्मा को स्प्लिट करोगे तो सिग्मा इसके साथ में आएगा, इसके साथ में आएगा, इसके साथ में आएगा। ठीक है, अब सिग्मा की प्रॉपर्टीज हमें थोड़ी बहुत पता होना चाहिए टू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन विच आई एम गोइंग टू गिव हियर। यहां पर आपके उसमें सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन लिखा जा सकता है, उसके बाद में माइनस यहां पर आप लिख सकते हो माइनस टू टाइम्स ऑफ माइनस सिग्मा के अंदर जाएगा, ये भी और थोड़ा बेटर लिख लेते हैं इस चीज को। ठीक है, माइनस सिग्मा के अंदर आपका जाएगा टू टाइम्स ऑफ एक्स बार इंटू एक्स आई डिविजन में एन अलग से कर दिया मैंने, और प्लस सिग्मा के अंदर एक्स बार का स्क्वायर और डिविजन में एन अलग से कर दिया। ठीक है, सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू नाउ कैलकुलेट द कंप्यूटेशनल फॉर्मूला ऑफ वेरियंस। ठीक है, यहां पर ये जो पर्टिकुलर क्वांटिटी है इसको तो हम हाथ लगाना नहीं चाहते हैं, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन ये ऐसा लिखा जाएगा, लेकिन यहां पर क्योंकि ये जो दो नंबर हैं क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आ जाएंगे। ठीक है, और जैसे ये बाहर आते हैं तो आपने क्या देखेगा यहां पे कि आपके पास जो बचा हुआ है दैट इज सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, ये तो बेसिकली मीन होता है। ये क्या होता है, ये मीन होता है। यहां पे एक्स बार मेरे ख्याल से एक बार फिर से मैं रिट्रेट कर देता हूं, यहां पर हमने एक्स बार क्या माना है, मीन माना है। स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरियंस का जो कैलकुलेशन होता है हमेशा मीन के अबाउट ही होता है। ठीक है, ऑलराइट, सो यहां पर बनने के वाला है आपके उसमें यहां पर ये बेसिकली एक्स बार ही बनने वाला है आगे चल के। ठीक है, और यहां पे फिर से x बार का जो वैल्यू है किसी भी डेटा के लिए वो तो कांस्टेंट रहता है, मतलब ये फिर से सिग्मा के बाहर आ जाएगा, तो x बार का स्क्वायर अगर सिग्मा के बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, सिग्मा 1 बचेगा क्योंकि अंदर कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, अब यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे बस आप ध्यान से देखो, सिग्मा 1 की आपको वैल्यू पता होना चाहिए, ये n के बराबर आता है, क्योंकि n के बराबर आता है इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां बचेगा आपके उसमें x बार का स्क्वायर, और ये जो आपके उसमें पर्टिकुलर क्वांटिटी है ये भी कैलकुलेट होके क्या बन रही है, एक्स बार बन रही है आगे चल के। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस टू इंटू एक्स बार इंटू एक्स बार, ये माइनस टू एक्स बार का स्क्वायर है, तो इस एक्स बार के स्क्वायर के साथ में मिलके कितना बचेगा, माइनस एक्स बार का स्क्वायर बचेगा। एंड दिस इज द फॉर्मूला जहां पे काफी सारे बच्चों ने ऑलरेडी याद किया हुआ होगा, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द कंप्यूटेशनल फॉर्मूला फॉर वेरियंस। ठीक है, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। लेकिन अब कभी कभी होता क्या है, यहां पर आपके पास में जो डेटा गिवन होता है वो फिर से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मेट में गिवन हो सकता है। जैसे यहां पर आप देख रहे हो कि हमने यहां पे मीन के दो अलग अलग फॉर्मुलेस देखे थे, ये एन वाला फॉर्मूला तो देखा ही था लेकिन सिग्मा एफ आई वाला फॉर्मूला भी देखा था। वैसे यहां पर आपके पास में अगर ये लग रहा है कि यार कुछ वैल्यूज हैं वो बार बार रिपीट हो रही हैं, बार बार आपके जो नंबर हैं बच्चों के वो सेम टाइप के निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, फिर से डिविएशन के केस में भी क्यों हम यहां पे बार बार उसी चीज को स्क्वायर करके लिखेंगे, क्यों ना यहां पे हम उसका फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई कर लें, एक ही बात है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा जा सकता है, एफ आई लिखा जा सकता है। ठीक है, क्या कर सकते हैं, यहां पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा सिग्मा एफ आई। ठीक है, जब भी आप फ्रीक्वेंसी टेबल का यूज करते हो तो एन की वैल्यू कैसे मिलती है आपको, सिग्मा एफ आई करके आपको एन की वैल्यू मिलती है। ठीक है, सो दिस कुड बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज। वैसे यहां पर अगर आप इसको आगे ले जाओगे सो ये पॉसिबिलिटी क्या जनरेट होती है, यहां पर आपको क्या मिलते हुए दिखेगा, फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई एंड माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा भी आप एक फॉर्मूला
याद रख सकते हो, ठीक है। तो अभी तक पिछले 10 मिनट से जो हम बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज फॉर स्टैटिस्टिक्स। यहां पे स्टैटिस्टिक्स में हमने इस तरह के फॉर्मुलेस देखे हुए हैं, लेकिन ये डिस्कशन करना इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि पहली बात तो वो बहुत ही बेसिक डिस्कशन है, ये अगर किसी को नहीं पता है तो उसको आगे यहां पे समझने में दिक्कत आएगी। और यहां पे बच्चे बहुत बार ये करते हैं, स्टैटिस्टिक्स को वेटेज देते ही नहीं है, हालांकि देना चाहिए क्योंकि मेंस के लिए तो स्टैटिस्टिक्स भी इंपॉर्टेंट है, उससे भी एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मेंस के लिए क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपने इसको पढ़ना चाहिए, ठीक है। और अगर किसी ने पढ़ा हुआ नहीं होता है तो उसको आगे वाले जो यहां पे प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है वो समझने में दिक्कत आती है, ठीक है। उसके यहां पे फॉर्मुलेस जो है वो ही एक्चुअली समझ में अगर नहीं आएंगे किसी बच्चे को तो वो याद भी नहीं रख पाता है फिर, ठीक है। बट आई गेस यहां पे जो हमने यहां पे पूरा कैलकुलेशन किया है, आई गेस यहां पे सभी बच्चों को क्लियरली समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, ठीक है। ऑलराइट, सो यहां पे हमें सबसे पहले ये पता चलता है कि हमारे पास में मीन और वेरिएंस के फॉर्मुलेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं फॉर स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। व्हाट वी वांट टू डू नाउ, वी वांट टू स्टडी द सेम थिंग्स फॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे सोच के देखो कि अगर मैं यहां पे आपको ये बोल रहा हूं कि आपका रैंडम वेरिएबल जो है एक्स, जैसे आपको अगर टेबल याद आ रहा होगा, आपका रैंडम वेरिएबल जो है वो वन वैल्यू ले सकता है विद अ प्रोबेबिलिटी 1/10, लेकिन ये वैल्यू 2 ले सकता है विद अ प्रोबेबिलिटी 3/10। एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं डिस्कस कर रहा हूं, एक बार सोच के देखो, एक रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, एक रैंडम वेरिएबल है जो अपनी वैल्यू ले सकता है 1 विद अ प्रोबेबिलिटी 1/10 और 2 ले सकता है वैल्यू विद अ प्रोबेबिलिटी 3/10, ठीक है। ऐसे कुछ मैं यहां पे लेना चाह रहा हूं, ये प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज है, ठीक है। आई होप मैंने ये एग्जांपल पहले भी दिया था, लेकिन इसको कंटिन्यू करके चलते हैं। तो यहां पे क्या आपको ये लग रहा है कि ये एक तरीके से जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो फ्रीक्वेंसी के प्लेस में एडजस्ट की जा सकती हैं? क्या ये प्रोबेबिलिटीज फ्रीक्वेंसी के प्लेस में एडजस्ट की जा सकती हैं? जैसे यहां पे हमने फ्रीक्वेंसी के साथ में xi का स्क्वायर मल्टीप्लाई किया है, क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहां पे मैं fi की जगह pi डाल सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट टू हैपन, है ना? बिल्कुल डाल सकते हैं। क्यों डाल सकते हैं? क्योंकि यहां पे आप सोच के देखो, फ्रीक्वेंसी क्या बता रहा है कि ये पर्टिकुलर क्वांटिटी कितने बार यहां पे आने वाली है, ठीक है, और यहां पे प्रोबेबिलिटी हमें क्या बोलेगी, ये पर्टिकुलर क्वांटिटी कितने चांसेस है कि वो आएगी, इतना से डिफरेंस है, ठीक है। सो यहां पे जो कोरिलेशन है वो क्या है कि आप जो स्टैटिस्टिक्स वाले फॉर्मुले में fi का लोकेशन है उसके प्लेस में आप यहां पे pi एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये आपको थोड़ी सी अगर फील आ जाएगी तो आपको यहां पे बहुत कंफर्टेबल फील होगा और आई गेस मेरे ख्याल से आ भी गई होगी। क्या सोचना है आपको कि वो जो फॉर्मुलेस है उसके अंदर fi की जगह pi डालना है हमें, तो उस केस में आपका मीन का फॉर्मूला क्या जनरेट हो जाएगा? आपका जो मीन है वो अब यहां पे लिखा जा सकता है सिग्मा pi xi अपॉन सिग्मा pi। वहां पे क्या होता था, सॉरी fi लिखने की आदत है, इसको pi कर देते हैं, ठीक है, सिग्मा pi xi अपॉन सिग्मा pi। लेकिन हमें अब क्या पता चल चुका है कि आपके पास में जब भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन होता है देन इन दैट केस सिग्मा pi का आंसर तो हमेशा 1 आता है, ठीक है। सिंस आपके पास में सिग्मा pi हमेशा 1 होता है, आपके पास में x बार का भी आंसर क्या हो जाएगा, x बार का आंसर हो जाएगा आपके पास में डायरेक्टली सिग्मा pi xi। बहुत ही बढ़िया बात है, ये तो और छोटा फॉर्मूला हो गया, याद करने में आसान है। ऑलराइट, सो ये मीन का फॉर्मूला है किसके लिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए, ठीक है, x बार इज इक्वल टू सिग्मा pi xi, बहुत ही आसान। उसके बाद में अगर मैं वेरियंस की बात करूं, सो वेरियंस का हमें फॉर्मूला क्या बताएं, वेरियंस जिसको हम रिप्रेजेंट बच्चों सिग्मा स्क्वायर से करते हैं। सिग्मा कैसे, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन होता है ना, नोटेशन वाइज सिग्मा का स्क्वायर कर दिया, मतलब आपने स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर कर दिया तो वेरियंस आता है ऑब्वियसली, इसलिए इसका नोटेशन क्या है, सिग्मा स्क्वायर है। अब सिग्मा स्क्वायर का जो आपका आंसर निकल के आना चाहिए वो किससे मैच करना चाहिए, वो स्टैटिस्टिक्स वाले फॉर्मे से मैच करना चाहिए जहां पर आप यहां पे क्या करोगे fi की जगह pi रिप्लेस करोगे, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा pi xi स्क्वायर अपॉन सिग्मा pi और माइनस क्या हो जाएगा x बार का स्क्वायर, है ना। x बार तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है ना, वो हम कैसे निकालेंगे, वो हमने ऑलरेडी देख लिया है, वो प्रोबेबिलिटी के केस में ऐसे निकलेगी, ठीक है, वो आगे चल के वेरिएंस में यूज होगी ताकि आप वेरिएंस का भी वैल्यू कैलकुलेट कर पाओ। लेकिन फिर से सेम लॉजिक, सिंस यहां पे आपके पास में सिग्मा pi जो है वो 1 के बराबर है तो आपका यहां पे सिग्मा स्क्वायर जो आपका वेरिएंस का फॉर्मूला है वो कैसे बनता है, सिग्मा pi xi स्क्वायर माइनस x बार का स्क्वायर, ठीक है। बच्चों ये फॉर्मूलेस आपको पता होना चाहिए, ये जो फॉर्मूला है वेरिएंस का और पीछे ये जो फॉर्मूला है मीन का, ये अगर आपको अब समझ में आ गया है, आपने यहां पे अगर 10-15 मिनट देखे अगर एक फॉर्मूले का अंडरस्टैंडिंग ले लिया है तो आपको आगे वाले क्वेश्चन भी ऑटोमेटिकली करते आ जाएंगे, देखो अपने आप करते आ जाएंगे, ठीक है। सो लेट अस ट्राई एंड सी कि यहां पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन बच्चों आपके पास में आ सकता है, ठीक है। यहां पर क्या दिया है, अ रैंडम वेरिएबल एक्स हैज द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है, देन द वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज, बहुत ही क्लियरली यहां पे उसने वेरिएंस पूछ लिया है। अब अगर आपको वेरिएंस का फॉर्मूला ही नहीं आता तो आप तो छोड़ दोगे इस क्वेश्चन को,
बट आई गेस अब हम कर सकते हैं। यहां पर हमें क्या बताएं कि आपका वेरियंस का फॉर्मूला होता क्या है, आपका वेरियंस का फॉर्मूला होता है यहां पे सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब एक्स बार यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ थोड़ी है, वो भी इसका मतलब मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो आपके उसमें पर्टिकुलर इक्वेशन है इसको थोड़ा संभाल के रखते हैं हम, पहले यहां पे कैलकुलेशन कर लेते हैं साइड में, किसका एक्स बार का कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब एक्स बार क्या होता है, सिग्मा पी आई एक्स आई होता है, ठीक है। एक्स बार क्या होता है, सिग्मा पी आई एक्स आई, दोनों फॉर्मेट देखो एक ही क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं। वेरियंस अगर कोई पूछेगा तो आपको मीन का कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा क्योंकि वेरियंस के फॉर्मेट में मीन आता है, ठीक है। तो पी आई इंटू एक्स आई ये आपका प्रोबेबिलिटी है इस पर्टिकुलर एक्स आई का, ठीक है। तो इनको आपको मल्टीप्लाई करके यहां पे ऐड करते जाना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0.6, ठीक है। 2 और 0.3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0.6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे है ना, और उसके बाद में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.2, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.2। अगर आप अब सबको ऐड करते हो तो क्या आएगा, सबको ऐड करके आपके इसमें 1.2 0.6 तो आपके इसमें आएगा टोटल 3। तो इस क्वेश्चन में आपका जो मीन है वो 3 के बराबर निकल के आ रहा है, ठीक है। अब यहां पे मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट आपका यहां पे कैलकुलेशन है वो काफी आसानी से कंडक्ट किया जा सकता है, बस अब कैलकुलेशन का यहां पे बच्चों बात रहता है कि आप कैलकुलेशन कितने जल्दी यहां पे कर पाओगे। अब ये जो पर्टिकुलर सिग्मा है ये ऑलमोस्ट वैसा ही है, लेकिन यहां पे एक्स आई डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, एक्स आई का स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है। एक्स आई कौन है, एक्स आई मतलब ये वाला जो आपका पूरा रो है वो एक्स आई के वैल्यूज है। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर 2 नहीं मल्टीप्लाई करना है, प्रोबेबिलिटी के अंदर 4 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के अंदर 4 मल्टीप्लाई करना है, 0.3 के साथ में 4 मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद में ऐड क्या करना है 0.4 के साथ में 9 मल्टीप्लाई करना है, और आगे क्या है 0.3 के साथ में 16 मल्टीप्लाई करना है। लेकिन ये तो आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर हो गया, उसके अंदर से सब्ट्रैक्ट क्या करना है, माइनस आपको 3 का स्क्वायर इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। बस यहां पे देखो कितना कैलकुलेशन बताए आपका आंसर आ जाएगा। यहां पे आपका इसमें ये कितना बनेगा 1.2, ये बनेगा 3.6 और वो बनेगा 4.8। एक बार लिख लेते हैं ताकि क्लैरिटी आ जाए, 1.2 उसके बाद में आएगा आपका इसमें 3.6 और वो लास्ट वाला आ जाएगा आपका इसमें 4.8 और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है आपको 9, ठीक है। सो देखिए यहां पे सारे बच्चे एक बार क्या कैलकुलेशन हो जाएगा, ये फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके आपके उसमें 6 आ रहा है, 6 9 9.6 में से 9 सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोल रहा है ये, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0.6। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, वेरिएंस का अगर आपको बस फॉर्मूला भी पता है, आपको बेसिक लेवल पे क्वेश्चन करते आते हैं, ठीक है, देन आई गेस ऐसे आपके मेंस वाले क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं बता रहा था आज का लेक्चर काफी लाइट रहने वाला है, आज के जो क्वेश्चंस है वो आपको बेस थ्योरम की तरह बिल्कुल यहां पे परेशान नहीं करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली यहां पे आंसर दिखने लग जाएंगे, ठीक है। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं यहां पे। सो नेक्स्ट वी वांट टू डू बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी जो बच्चों हमने यहां पे डिस्कस किया दैट वाज प्लेन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पे बाइनोमियल वर्ड एक्चुअली नहीं था, लेकिन अब हम क्या करना चाह रहे हैं यहां पे, अब हम यहां पे बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाह रहे हैं। यहां पे मैंने जो आपको बच्चों सबसे पहला यहां पे इलस्ट्रेशन लिया था, जहां पे मैंने आपसे टेबल बनवाया था, वो एक्चुअली बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल था, क्योंकि उसके अंदर हमने जो यहां पे जो एक्टिविटी करी थी वो बर्नौलीज ट्रायल वाली एक्टिविटी थी, उसके अंदर आपके जो जो आपके सक्सेस और फेलियर के चांसेस हैं वो बार बार चेंज नहीं हो रहे थे, ठीक है। अगर ऐसा आपके पास में सिनेरियो आता है देन इनके आंसर्स निकालना और भी ज्यादा आसान है, जिसको हम बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बीपीडी के थ्रू कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। यहां पर भी क्या है, अल्टीमेटली है तो टेबल जैसे आपने सबसे पहले खुद ने बनाया था आपने, ठीक है, किंग को ड्रॉ करने वाला टेबल, ठीक है। सो वो जो पर्टिकुलर टेबल बनेगा उसका भी तो मीन होगा ना, और वो जो पर्टिकुलर टेबल बनेगा उसका भी तो आपके पास में वेरियंस होगा, ठीक है। लेकिन अब यहां पे अच्छी बात क्या है कि आपने अगर लास्ट क्लास अटेंड किए, आपको अगर यहां पे पता है कि आप जब भी यहां पे बर्नौलीज ट्रायल करते हो तो आपके पास में यहां पे एन की वैल्यू होती है, विच इज कि आपने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कितने बार परफॉर्म किया, आपके पास में पी की वैल्यू होती है, विच इज कि आपको यहां पे सक्सेस मिलने के प्रोबेबिलिटीज क्या है हर एक टर्न में, और क्यू की वैल्यू होती है, विच इज कि फेलियर मिलने के चांसेस क्या है, ठीक है। तो आपको यहां पे जो मीन का, जो आपके पास में मीन का और वेरियंस का आंसर आता है वो एक्चुअली इनके टर्म्स में ही आता है। ये एक्चुअली फिर से एक काफी अच्छा खासा डेरिवेशन है, ठीक है। यहां पे थोड़ा बहुत आपको बाइनोमियल भी पता होना चाहिए, लेकिन आई एम लेटिंग गो ऑफ दैट डेरिवेशन क्योंकि यहां पे जो फॉर्मूले है वो कुछ ज्यादा ही आसान है, ठीक है। यहां पर आपके पास में जो मीन निकल के आता है दैट इज इक्वल टू एन इंटू पी, ठीक है। अगर किसी को करना है तो वो कैसे कर सकता है, यहां पर मैं थोड़ा सा इसको स्टार्ट करके दिखा देता हूं। आपके पास में जो मीन होता है बच्चों, ठीक है, वो कैसा आएगा, सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई,
ठीक है, मतलब यहां पर आपको बायनोमियल प्रोबेबिलिटी में कैसे कैसे दिखाई देगा। आप बायनोमियल प्रोबेबिलिटी में जैसे किंग के लिए मैंने किया था, आपने यहां पे आर की वैल्यू पहले जीरो ली थी, आर की वैल्यू वन ली थी, आर की वैल्यू टू ली थी, मतलब यहां पर आप आर की वैल्यूज चेंज कर रहे हो, ठीक है, वो आपका एक कॉलम है। तो जो आपकी आर की वैल्यूज है वो कहां आएंगी, एक्स आई के प्लेस में आएंगी, ठीक है, आपकी आर की वैल्यू एक्स आई के प्लेस में आएंगी। और आपकी जो यहां पे प्रोबेबिलिटीज हैं, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज हैं, वो कैसे शक्ल दिखाई देंगी, वो जैसे कि बायनोमियल के टर्म्स ऐसे दिखाई देगी, ठीक है। तो यहां क्या बनेगा आपका, यहां हो जाएगा आपका एन सी आर पी की पावर आर एंड क्यू की पावर एन माइनस आर, ठीक है, ऐसा बनेगा ये। अब यहां पे आपको अगर थोड़ा सा भी अगर आपको यहां पे सिग्मा निकालते आता है, बायनोमियल वाला जो आपके पास में मैंने डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर हमने बायनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम का डिस्कशन किया है, ठीक है, वो अगर आपको करते आता है तो आप इसको मैनेज करके बता सकते हो कि अल्टीमेटली मेल्ट डाउन होके, सिंप्लीफाई होके क्या बनेगा, एनपी के ही बराबर बनेगा, ठीक है, लेकिन ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो करो, अदरवाइज तो हमारा फॉर्मूला अगर इतना आसान है तो लेट अस मूव ऑन, लेट अस ट्राई टू सी कि यहां पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ठीक है। सो मीन अगर आपको निकालना है बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, अब यहां पे बस आप कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन को देख के आपको यह समझना पड़ेगा कि बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। नॉर्मल क्वेश्चन है तो यहां पर बड़ा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है, अगर बायनोमियल वर्ड उसके अंदर यूज हो रहा है तो एक्चुअली आपके उसमें छोटा वाला फॉर्मूला लगता है एन इंटू पी, ठीक है। और यहां पे आप वेरिएंस क्या है, वेरिएंस क्या है, फर्दर उसके अंदर आपने क्यू मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इसका भी अलग से डेरिवेशन है, बट हम यहां पे पूरा डेरिवेशन कर नहीं रहे हैं, लेट अस फोकस ऑन द क्वेश्चंस, क्योंकि यहां पे समझना फॉर्मूला भी आसान है और क्वेश्चंस करना भी बहुत आसान है, ठीक है। ऑलराइट, सो आई गेस यहां पे सारे फॉर्मूले लेकिन दोनों को याद हो गए, दोनों फॉर्मूले, मीन निकालना है तो एन इंटू पी करना है, और आपको अगर वेरियंस निकालना है तो एन इंटू पी इंटू क्यू करना है, दो यहां पे चीजें करनी है, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है आपसे, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स हैविंग बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ही क्लियरली क्वेश्चन में दिया हुआ है बायनोमियल वर्ड, ठीक है, मतलब यहां पे हम सिंपल वाले फॉर्मेज यूज कर सकते हैं टू गेट टू द आंसर, ठीक है। क्या दिया यहां पे आपके, उसमें मीन का आंसर कितना है, फोर के बराबर है। मीन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एन इंटू पी से कैलकुलेट करते हैं, और उसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, फोर, तो ये एक इक्वेशन आ गया हमारे पास में। और वेरिएंस हमने क्या याद किया, एनपीक्यू, एनपीक्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, आपके पास में दो दिया हुआ है। क्या मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके यहां पे बढ़िया वाले सारे वैल्यूज निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं, क्योंकि यहां पे इन दोनों इक्वेशन के साथ साथ मुझे एक और इक्वेशन पता है। यहां पर आप देख सकते हो आपके उसमें तीन अननोन्स है, दो इक्वेशन तीन अननोन एक्चुअली सॉल्व नहीं हो पाएंगे, लेकिन एक हिडन इक्वेशन आपके उसमें हमेशा होती है जब भी आप बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हो, तो कि पी प्लस क्यू का वैल्यू इक्वल टू वन होता है, P प्लस क्यू का वैल्यू हमेशा इक्वल टू वन होता है, सक्सेस और फेलियर की जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज हैं उनको ऐड करके वन आता है, ठीक है। सो एक्चुअली आपके पास में टोटल तीन इक्वेशंस हैं, मतलब आप यहां पे फाइनल आंसर एन पी और क्यू के निकाल के एक्चुअली बता सकते हो, ठीक है। सो लेट अस ट्राई टू डू दैट, यहां पे मैं सबसे पहले क्या करता हूं, डिवाइड कर देता हूं। तो अगर मैं यहां पे टू को डिवाइड करता हूं वन से, अगर मैं ये काम करता हूं, तो यहां पे मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, क्यू, राइट हैंड साइड में कितना आ जाएगा, वन बाय टू। लेकिन क्योंकि अब मुझे यहां पे एक हिडन इक्वेशन पता है कि आपके पास में P प्लस क्यू जो है वो वन होता है, इसका मतलब आपके पास में P का आंसर भी कितना आ जाएगा, हाफ के बराबर आ जाएगा, क्योंकि Q की वैल्यू आपके पास में हाफ के बराबर। अब आपके पास में अगर P का वैल्यू आ गया है तो इक्वेशन वन से आपके पास में N का वैल्यू आ जाएगा, यूजिंग इक्वेशन वन आपके पास में एन का वैल्यू कितना आ जाएगा, एन का वैल्यू आ जाएगा आपके पास में एट के बराबर। तो आपके पास में यहां पे जो जो चाहिए होता है बायनोमियल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका, जो बायनोमियल प्रोबेबिलिटी होती है कैलकुलेट करने के लिए, वो सारी वैल्यूज आपके पास में आ चुकी हैं, एन पी एंड क्यू। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आर की वैल्यू दी हुई है। क्वेश्चन में क्या पूछा उसने कि देन प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज इक्वल टू वन, जब बायनोमियल प्रोबेबिलिटी का डिस्कशन चल रहा होता है तो एक्स यहां पे बेसिकली जो वैल्यू है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी आर की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो वी वॉन्ट टू फाइंड द आंसर ऑफ प्रोबेबिलिटी व्हेन आर इज इक्वल टू, मतलब आपको एक सक्सेस चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या, ठीक है। सो उस चीज को हम भी ऐसे लिखते हैं जैसे उसने क्वेश्चन में लिखा है, देयरफॉर पी एक्स इक्वल टू वन, ये कैसा हो जाएगा, फॉर्मुला तो वो यूज करना है, आर की प्लेस में आपको वन यूज करना है, इतना ध्यान रखो बस, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा आपको, यहां पे एन की वैल्यू कितनी है, एट, तो एट सी वन इंटू सक्सेस, सक्सेस इज वन बाय टू, सक्सेस की पावर वन, एंड फेलियर, फेलियर की पावर भी कितनी हो जाएगी, सेवन हो जाएगी, ठीक है। सो जस्ट कैलकुलेट दिस और देखो यहां पर आपके उसमें कितना आंसर आता है, एट सी वन का वैल्यू कितना हो जाएगा, आठ हो जाएगा, और यहां पे वन बाय टू और वन बाय टू की पावर अगर मिलाओगे टोटल तो यहां पे पावर एट हो जाएगी। सो बचेगा कितना, यहां पे एट मतलब क्या है, टू की पावर थ्री, नीचे क्या है, टू की पावर एट, तो बचेगा कितना, वन अपॉइंट टू की पावर फाइव, एंड वन अपॉइंट टू की पावर फाइव आफ्टर कैलकुलेशन इज बी आंसर, वन बाय थर्टी टू इसका आंसर निकल के आएगा, वेरी इजी,
ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। यहां पर बस आपको फॉर्मुलेज लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं वो यहां पे नोटिस करना है, ठीक है। बायनोमियल वर्ड से तो मुझे यहां पे बहुत ही जल्दी समझ में आ गया था कि यहां पे एनपी और एनपीक्यू वाले फॉर्मुलेज में यूज कर सकता हूं, ठीक है। अगेन अब बायनोमियल वर्ड इज यूज्ड, बायनोमियल वेरिएट लिखाओ, बायनोमियल वेरिएबल लिखाओ, बायनोमियल रैंडम वेरिएबल लिखाओ, जो भी लिखा है, बायनोमियल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या लिखा है यहां पे, डिफरेंस बिटवीन मीन एंड वेरियंस ऑफ ए बायनोमियल वेरिएट इज वन। कुछ तो डेटा दिया है हमें, यहां पे इक्वेशंस बना के उनको सॉल्व करना है और एनपी क्यू की वैल्यूज पता करना है, ठीक है। मेन आइडिया तो यही है आपका, डिफरेंस बिटवीन मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए बायनोमियल वेरिएट इज वन। ऑलराइट, सो ये चीज लिखने की कोशिश करता हूं मैं। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन का वैल्यू कितना होता है, एनपी के बराबर होता है, माइनस वेरियंस ये कितना होता है, एनपी क्यू के बराबर होता है, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, वन के बराबर आ रही है। और आगे स्टेटमेंट क्या दिया है, एंड डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज 11। उनके स्क्वायर्स के बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है, तो इनका स्क्वायर करके देते हैं, एनपी का स्क्वायर माइनस एनपी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 11, ठीक है। इतना डेटा उसने दिया हुआ है और आगे फिर उसने क्वेश्चन पूछ लिया है, तो अब आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहा है कि मुझे एन पी और क्यू के वैल्यूज निकालने होंगे। सो हम यहां पर पूरा ध्यान तो अपने इक्वेशन वन और इक्वेशन टू के ऊपर ही रखते हैं, ठीक है। अब यहां पर मुझे क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, क्वेश्चन आसान हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करता हूं तो क्या आएगा, यहाँ पे एनपी प्लस एनपी क्यू इंटू एनपी माइनस एनपी क्यू, और ये वैल्यू 11 के बराबर है। लेकिन एनपी माइनस एनपी क्यू जो है वो तो 1 है ही, तो इसकी वैल्यू अगर आप यहाँ पे 1 उठा के डाल दोगे, ठीक है, तो आपके पास में यहाँ पे एक नया इक्वेशन बन जाएगा विच इज मोर यूजफुल। यहां पर आपके पास में आएगा क्या, इंप्लाइज एनपी प्लस एनपी क्यू इज इक्वल टू 11, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे लिए ज्यादा अच्छा है, इक्वेशन नंबर 3 यहां पर इसको नाम देते हैं, ठीक है। तो क्या आप यहां पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 का यूज करके देख पा रहे हो कि हम बड़ी आसानी से एनपी और एनपीक्यू निकाल लेंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप ऐड कर दोगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन सॉरी 3 इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 को अगर आप यहां पे ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपके उसमें जो एनपीक्यू है एनपीक्यू वो कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एनपी मिलेगा। राइट साइड में आपके उसमें 1 और 11 है ना, इसको देखना है 1 और 11 तो 12 आएगा, ठीक है। सो आपके यहां पे क्या आ गया, एनपी का वैल्यू इक्वल टू 6 निकल के आ गया, है ना। सॉल्व करो इसको, बस आपके उसमें एनपी का आंसर आ जाएगा। और वैसे ही एक काम और करते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, इक्वेशन ऐसा करते हैं 3 माइनस इक्वेशन 1 कर लेते हैं, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 3 है माइनस इक्वेशन 1 किया तो 2 टाइम्स ऑफ एनपी क्यू बचेगा। राइट साइड में आपके पास में 10 बचेगा, मतलब एनपी क्यू का आंसर कितना आ जाएगा, एनपी क्यू आपके पास में 5 आ जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां पे जो कैलकुलेशन है, आई गेस जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने प्रोसीड किया था बिल्कुल वैसे ही हो गया। लास्ट क्वेश्चन में आपको मीन और वेरियंस डायरेक्टली दिया हुआ था, अब यहां पे मीन और वेरियंस आपने थोड़ी मेहनत करके कैलकुलेट कर लिया है, बस दैट इज द ओनली डिफरेंस, ठीक है। लेकिन आपको सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर देते हो तो आपको क्या निकलेगा, क्यू का वैल्यू निकलेगा, नीचे वाला अपॉन ऊपर वाला, ठीक है। अगर आप ये डिवाइड करते हो तो आपको क्यू का वैल्यू कितना मिल रहा है, क्यू का वैल्यू आपको यहां पे 5/6 मिल रहा है, और क्योंकि क्यू का वैल्यू 5/6 है इसलिए पी का वैल्यू कितना मिल रहा है आपको, 1/6 मिल रहा है, क्योंकि आपके इसमें ऑलरेडी एनपी का वैल्यू है, आपके इसमें एनपी का वैल्यू क्योंकि 6 के बराबर है तो पी यहां पे अगर 1/6 डालोगे तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। क्लियर होता है, एन का वैल्यू 36 हो जाएगा। ये सारी चीजें हमें एक साथ पता चल गई अब, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछ के रहा है, वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 सक्सेस, मतलब यहां पे आर की वैल्यू 2 यूज करके आपका क्या आंसर निकलेगा, ऐसा आपको डायरेक्टली निकाल के बताना है। वेरी इजी करते हैं हम इसको। यहां पर फॉर आर इज इक्वल टू 2, फॉर आर इज इक्वल टू 2 यहां पर मैं जो इक्वेशन लिखूंगा वो कैसे होगी, आपके उसमें आएगा 36C2 सक्सेस मतलब 1/6 की पावर 2 एंड फेलियर मतलब 5/6 की पावर 34, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। इसको ज्यादा सिंप्लीफाई करने के पीछे मत पड़ना, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, 5/6 की पावर 34 कैसे निकालोगे, ठीक है। बट आई गेस यू गेट द आइडिया, यहां पे अगर ये ऑब्जेक्टिव में आएगा देन इसको यहां पे इसी तरह से ऑप्शन दिए जाएंगे जिसके अंदर आपको एक्सप्रेशन डायरेक्टली ढूंढना होगा, कैलकुलेशन आपसे नहीं करवाएंगे, ठीक है। ऑलराइट, सो आई गेस यहां तक आपको समझ में आ जाता है। और आई गेस यहां पे एक क्वेश्चन ये करना भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 2017 मेंस, अभी ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है। आपको एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज होते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। देखे सारे बच्चे यहां पर कैसे होगा, अ बॉक्स कंटेन्स 15 green and 10 yellow balls, ठीक है। एक बॉक्स है उसके अंदर 15 green, एक बार प्लॉट करके देख लेते हैं, मतलब विजुलाइज हो जाएगा। हमारे पास में 15 green balls हैं और 10 yellow balls हैं,
ठीक है, फिर क्या किया है, इफ 10 बॉल्स आर रैंडमली ड्रॉन वन बाय वन विथ रिप्लेसमेंट, वन बाय वन विथ रिप्लेसमेंट, ये एक ऐसा स्टेटमेंट हो गया जैसे आज की क्लास का जो सबसे पहला इलस्ट्रेशन था बिल्कुल वैसा ही हो गया। हमने वहां पे किंग निकालने की कोशिश करी थी डेक ऑफ कार्ड्स में से विथ रिप्लेसमेंट, यहां पर हम क्या कर रहे हैं वन बाय वन बॉल निकाल रहे हैं। देन द वेरियंस ऑफ द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स ड्रॉन इज, अब पहली बात यहां पर आपको क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन देख के समझने की कोशिश करना है कि यार यहां पर होने क्या वाला है, आपसे इसका मतलब पूछा तो वेरियंस ही है ना, आपको वेरियंस निकालना है, वेरियंस निकालने के आपको मल्टीपल वेज आते हैं ठीक है, लेकिन यहां पे आप जो एक्सपेरिमेंट है उसको अगर आप अच्छे से देखोगे आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा इसका आंसर निकालने में, क्योंकि आपको ये जो पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट दिख रहा है वो पक्के से बर्नौली ट्रायल ही है, यहां पर आपको जो एक्सपेरिमेंट है वो यहां पे बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन ही है ठीक है। कैसे पता चल रहा है, यहां पर आपके पास में जो बॉल निकल रही है वो वापस अंदर जा रही है, फिर बॉल निकल रही है फिर अंदर जा रही है, तो यहां पर हमने सक्सेस किसको बोल के रखा है, सक्सेस हमने किसको बोला है, ग्रीन बॉल हम ड्रॉ कर रहे हैं उसको हमने सक्सेस बोला है, सक्सेस इज गेटिंग अ ग्रीन बॉल ठीक है। तो ग्रीन बॉल हर बार आपकी निकलने की प्रॉपर्टी सेम है, कितनी प्रॉपर्टी आपकी, आपके यहां पे जो पी का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 15 आपके उसमें ग्रीन है और टोटल आपके उसमें 25 है, तो ये आंसर कितना निकलेगा आपका 3/5, और क्योंकि आपके यहां पे सक्सेस 3/5 से डिफाइन हो चुका है तो फेलियर कितने से डिफाइन हो जाएगा आपका 2/5 से डिफाइन हो जाएगा, और ये एक्टिविटी आप कितने बार कर रहे हो, आप यहां पे 10 बार बॉल्स निकाल के यहां पे टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए आपका एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, एन का वैल्यू आपका यहां पे 10 हो जाएगा ठीक है। ये स्टेटमेंट आपको यहां पे डायरेक्टली एन का वैल्यू दे रहा है, बस आपको अब यहां पे अगर वेरियंस निकालना है तो एन पी क्यू करके आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। सो क्वेश्चंस आर इजी एज फार एज दिस टॉपिक इज कंसर्न्ड, यहां पर आपका वेरियंस कितना हो जाएगा एन पी क्यू के बराबर हो जाएगा, एन की वैल्यू कितनी है आपकी 10 के बराबर, पी की वैल्यू कितनी है आपकी 3/5 के बराबर, और क्यू की वैल्यू आपके पास में 2/5 के बराबर ठीक है। अगर आप यहां से 5 से कैंसिल करते हो तो आपके पास में कितना आंसर बचेगा, आपके पास यह बचेगा आपके पास 12/5 विच इज बी ठीक है। ऑलराइट, तो आज की क्लास में मेरे ख्याल से जो भी हमने बच्चों क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे, और इसलिए शायद ये क्लास आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेस थ्योरम के क्वेश्चन करके आपको बच्चों मजा तो आया होगा, लेकिन वैसे क्वेश्चन अगर बाय चांस आपके एग्जाम में फंस जाते हैं तो क्या प्रॉबर्टी है कि प्रॉबर्टी का क्वेश्चन हो गया है, क्या प्रॉबर्टी है कि आप वो क्वेश्चन करके आओगे ठीक है, कम, बहुत कम, मतलब यहां पे आपको अगर समझ में भी आ गया होगा कि क्या क्या स्टेप करके आंसर आएगा, यू वुड मे बी लीव इट फॉर द सेकेंड राउंड व्हेन यू अटेम्प्ट द पेपर ठीक है। बट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर फर्स्ट गो में करने वाले क्वेश्चन जिनको आपने एक्चुअली समझ के रेडी करके रखना ही चाहिए ठीक है। ऑलराइट, सो आई गेस यहां पे जो हमारा डिस्कशन था बच्चों वो कंप्लीट होता है फॉर आई गेस प्रोबेबिलिटी एंड ऑल्सो द रैंडम वेरिएबल एज वेल एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि सर और डिटेल में हमें यहां पे समझ नहीं बातें, आपको अगर लग रहा है कि सर एक क्रैश कोर्स जैसा कुछ होना चाहिए तो यहां पे आपने जो प्लस प्लेटफॉर्म है उसको एक्सप्लोर करना चाहिए, हम यहां पे क्रैश कोर्स लेकर आए हैं प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पर आपको आने वाले मेंस एग्जाम के लिए एक बढ़िया बूस्ट देने की कोशिश की जाएगी ठीक है। आपने पहले टॉपिक पढ़े हुए हैं, पहले टॉपिक पढ़े हुए नहीं है ठीक है, वहां पे आपको थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस कराए जाएंगे ताकि आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करो, आप बेसिक एनवायरनमेंट समझ पाओ कि एग्जाम का कैसा होता है ठीक है। सो फॉर दैट यू विल हैव टू एक्चुअली कम ऑन टू अनअकैडमी प्लस, अनअकैडमी प्लस पे बच्चों अगर आपको आना है, अगर आपको लग रहा है कि आपको केवल मेंस के लिए पढ़ाई करनी है, देन आप एक महीने का भी सब्सक्रिप्शन लेके ये पर्टिकुलर कोर्स अटेंड कर सकते हो ठीक है। लेकिन आपका विजन अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म का है, विच शुड बी, आपको अगर ऐसा लग रहा है नहीं यहाँ पे जो है आपकी अप्रैल मेंस भी इंपॉर्टेंट है, आपका आने वाला एडवांस भी इंपॉर्टेंट है देखें, देन आई गेस यू शुड एटलीस्ट गो फॉर 6 month सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी प्लस ठीक है। और अगर आप वो लेते हो देन आपको यहां पे जो समीर लाइव कोड है वो यूज करके 10% डिस्काउंट के साथ में प्राइसेस काफी अफोर्डेबल हो जाएंगे। साथ ही साथ बच्चों आपने क्या ध्यान रखना चाहिए कि आप अगर यहां पे अगर अभी 11th में हो ठीक है, या फिर आप आगे चल के अगर रिपीट करने की सोच रहे हो, देन इन दैट केस यू शुड एक्चुअली गो फॉर लॉन्ग टर्म सब्सक्रिप्शन इन वन गो, क्योंकि उस केस में आपकी जो पर मंथ कॉस्ट है वो काफी कम आती है। पर मंथ कॉस्ट में आपको यहां पे लगभग 50-60 रुपए पर दिन का मिलता है ठीक है, पर डे आपको बस इतना ही खर्चा करना है ताकि आप यहां पे सारा क्वालिटी एजुकेशन ले पाओ अलोंग विद दीज अमेजिंग फैसिलिटीज ठीक है। सो ट्राई आउट दीज पर्टिकुलर फीचर्स, और बच्चे यहां पे अनअकैडमी जेई चैनल के ऊपर जो आपकी क्लासेस चल रही है वो आई गेस आपको पसंद आ रही है, तो लाइक जरूर करो और साथ ही साथ इनको शेयर करो बच्चों अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे विद द हैशटैग जेई लाइव डेली, क्योंकि हम जितने बच्चों तक पहुंच पाएंगे उतने जल्दी यहां पे हमारा मिशन कामयाब हो पाएगा, हम यहां पे क्वालिटी एजुकेशन इस चैनल के थ्रू बच्चों तक पहुंचाना चाह रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट।
ठीक है. सो देर इज वन प्लेटफॉर्म जहां पे आपको अफोर्डेबल रेट्स में सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं, जो किसी भी एक रैंक अच्छी लाने वाले अगर किसी बच्चे की एस्पिरेशन है तो उसको फुलफिल करते हैं. लेकिन आप पर यहां पे भी अगर आप बहुत अच्छे डेडिकेशन के साथ में पढ़ते हो देर इज अ वेरी गुड चांस. ठीक है, बट एक एज के लिए बच्चों यहां पे हम आपको बोल रहे हैं कि प्लस इज समथिंग दैट यू शुड गो फॉर. लेकिन यहां पे बच्चों आपके उसमें और क्या क्या फैसिलिटीज हैं, आपको अनअकैडमी जेई चैनल के ऊपर हर लेक्चर के बाद में नोट्स मिलते हैं डाउनलोड करने के लिए. ठीक है, जैसे कि इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेंगे डाउनलोड ऑल द नोट्स, ताकि आप यहां पे रिवीजन अपने साइड से भी अच्छे से कर पाओ. ठीक है, ऑलराइट. अगर आप यहां पे शेयर करते हो इंस्टाग्राम के ऊपर देन यू कैन एक्चुअली टैग अस टीचर्स एंड यू कैन ऑल्सो यूज द हैशटैग जेई लाइव डेली, ताकि हम आपके पोस्ट को आसानी से देख पाएं. और एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन बच्चों अबाउट अदर चैनल्स, अदर सिस्टर चैनल्स ऑफ अनअकैडमी जेई, अनअकैडमी नीट एंड अनअकैडमी फाउंडेशन आर ऑल्सो रनिंग, जहां पर आपको क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है. अगर यहां पर आपके कोई दोस्त हैं जो अभी मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और उनको अगर यहां पर दिक्कत आ रही है देन यू शुड गाइड देम टू अनअकैडमी नीट. अनअकैडमी नीट पर भी आपको यहां पर क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है. ठीक है, बेस्ट ऑफ द फैसिलिटी और बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी का यूज करके. ठीक है, उन बच्चों को काफी अच्छा आइडिया आएगा यहां पर उन लेक्चर्स को अटेंड करके. ठीक है, और अगर आपके नजर में कोई आपके अगर छोटे सिबलिंग्स हैं या फिर आपके नजर में कोई आपके आस पड़ोस में बच्चे हैं जो अभी आपसे छोटे हैं लेकिन आगे चल के नीट या जेई की तैयारी करना चाहते हैं, देन अनअकैडमी फाउंडेशन चैनल उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जो एक पर्टिकुलर बेस रिक्वायर्ड होता है किसी भी बच्चे को. ठीक है, वो अटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, चलो तो यहां पे मेरे ख्याल से अगर आपको ये सारे एग्जाम्स क्रैक करनी है, ठीक है, देन दीज चैनल्स आर समथिंग दैट दे आर यू आर लुकिंग आउट फॉर. ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.